आज पहला झटका गुजरात से लगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हार्दिक पटेल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पार्टी अब छोड़ रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हार्दिक पटेल इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। हार्दिक जी, पहला सवाल आपसे यही, सुनील जाखड़ की तरह आप भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखिए अंजना जी, वो बात तो अभी तय नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है, लेकिन एक बात बड़े तय है कि बड़ी हिम्मत करके आज फैसला जो लिया उस पर मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो 3 साल जिस सपने के साथ मैं गया था कि लोगों के काम करेंगे, लोगों की आवाज़ को मजबूत बनाएंगे, वहाँ ऐसा कुछ भी करने को नहीं मिला। कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, आपको कोई काम नहीं दिया, बस ऐसे ही कि आपको पद दिया, आप बैठे रहिए। आप हम आंदोलन से निकले हुए लोग थे अंजना जी, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हमारा परिवार कोई पॉलिटिकली नहीं था कि हम किसी बाप के बेटे नहीं है जो मेरा बाप कोई मंत्री था। हमने जनता के मुद्दे को ऐसे ही ताकत से उठाया कि जनता ने हम लोगों को बड़ा बना दिया, और फिर हम जब रिजर्वेशन मूवमेंट खत्म हुआ, रिजर्वेशन समाज को मिला, तो हमने फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। ये 3 साल जो मेरे राजनीतिक जीवन के जो मैंने बिगाड़े हैं, जो मैं ये कहूंगा, ना आपको कोई काम करने का मौका दिया गया, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर पार्टी में पद दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही पार्टी के नेता, यानी कि मुझे ये बोलते हुए दुख लगता है कि मेरे पापा की डेथ हुई अंजना जी, मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट था, एक भी नेता मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए बैठने के लिए भी नहीं आया। अगर जो पार्टी अपने ही कार्यकारी अध्यक्ष के परिवार में उसके पापा की डेथ होती है और उसके दुख में भी सहभागी न बने, वो पार्टी गुजरात के लोगों की सहभागी कैसे बनेगी? और फिर आप ये सोचते हैं कि गुजरात के लोग हमें जिताएंगे, कैसे जिताएंगे, किस आधार पर आपको चुनाव जिताएंगे? सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लोगों को गुमराह करना, गुजरात के लोगों को जाति के आधार पर बांटना, पार्टी में जाति के आधार पर लोगों को बांटना, ये बड़े दुख की बात है। और इसीलिए आज मुझे एहसास हुआ कि क्यों कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं जीतती, बस इसी कारण पिछले 30 साल से गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखती है। ठीक है, पार्टी से आपकी नाराजगी पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप पटेलों के आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप खुद ही जाति के आधार पर अपने पूरे आंदोलन को खड़े कर रहे हैं, और अब आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवादी है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्यों, समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ना गुनाह है? अधिकार की बात है, समाज के लोगों को शिक्षा और रोजगार में अधिकार मिले उसके लिए हमने आंदोलन किया था। और अंजना जी, ये बात आपको बताते हुए हमें गर्व होता है कि हमारे आंदोलन के कारण 3 बड़ी योजना गुजरात और देश के लोगों को मिली, जिसके लाखों नौजवान इसके फायदे ले रहे हैं। और समाज में हमने किसी समाज का विरोध नहीं किया था कि आपने इसको क्यों दिया, आप उसका ले लीजिए। हमने ये कहा कि जो गरीब लोग हैं आप उसको लाभ दीजिए। और जब रिजर्वेशन मूवमेंट में 10% EBC मिला ना अंजना जी, वो सिर्फ गुजरात के पटेलों को नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान के बिन आरक्षित वर्ग के सभी समाज को 10% EBC मिला है। तो जब समाज के हित की बात करना, ये राजनीतिक जीवन की एक शुरुआत थी, हम लोगों की सामाजिक जीवन की एक शुरुआत थी कि समाज के लोगों को फायदा मिले। लेकिन पार्टी में क्या कि आप पद उसी को दो कि उस जाति का हो, आप पद उसी को दो जो उस जाति से आता हुआ हो। पिछले 25 साल से गुजरात के अंदर आप PCC और CLP का लिस्ट निकालेंगे ना अंजना जी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी जातिवादी राजनीति चलती है गुजरात में। तो आप ये मत कहिए कि समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ना जाति है, समाज के हितों की लड़ाई लड़ना एक क्रांतिकारी मूवमेंट है। ठीक है, अब ये बताइए कि पार्टी से आपकी नाराजगी क्या हो गई? आप तो बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी में गए थे, कई दिनों से खबर आ रही थी कि आप नाराज चल रहे हैं। क्या राहुल गांधी या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से किसी ने आपको कांटेक्ट किया? आपने कहा कि इस पार्टी में लोगों को, नेता जो आ रहे हैं उनके लिए चिकन सैंडविच की चिंता होती है लेकिन काम की बात नहीं होती है, ऐसा क्या हो गया, क्या देख लिया आपने कांग्रेस में? देखिए आज की जो बात है, मैंने 6 महीने पहले कही थी कि गुजरात के अंदर ये हो रहा है, और ये मैं अचानक बोला हूं ऐसा नहीं, आप किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता से पूछ लीजिएगा, अगर वो ईमानदारी से जवाब दे तो। मैंने हर दिन, मतलब पार्टी ज्वाइन होने के बाद जिस दिन मेरे साथ कुछ गलत होता, मैं तुरंत पार्टी हाईकमांड से बात कहता था कि फलाना ढिकना ये यहाँ के लोग करते। इवन आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट, सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट, बैनर में फोटो भी नहीं लगाते अंजना जी। आपने स्पेसिफिक हर स्टेट में वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी तय होती है, पंजाब में वर्किंग प्रेसिडेंट, तो उसकी आपने जिम्मेवारी तय की है, मध्य प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट को आपने मीडिया का इंचार्ज बना रखा है, गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी क्यों आज तक आपने तय नहीं की? आप हार्दिक पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते जब पार्टी में आपने उसको जगह दी है, तो आप इंपोर्टेंट मीटिंग में भी आप उसको सहयोग क्यों नहीं देते? आपने आज तक पूरे गुजरात में 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे अंजना जी,
पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से जीती थी 17 के अंदर। 1990 के बाद पहली बार 2017 में कांग्रेस पार्टी 60 के ऊपर पहुंची थी, एक मजबूत विपक्ष में गुजरात में आई थी। लेकिन कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आपके कारण ये हुआ था, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करेंगे। पाटीदार समाज के अंदर आपके लोग नहीं, आपके दूसरे लोग जो आपके विरोधी है, उन लोगों को कैसे आपके खिलाफ आपके सामने खड़े कर दिया जाए, उस पर काम करेंगे। मैंने हर बार राहुल जी को यह बात कहने का प्रयास किया, जब गुजरात के अंदर राहुल जी आते थे, मैं आज भी उनको सम्मान से बुला रहा हूँ, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के बड़े नेता, हम दूसरे की तरह, हमारा ये संस्कार नहीं, हम उसको यूं वगैरह कैसी की तरह से बोलते रहे।